लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में राज्य चुनाव आयोग की ओर से प्रेस वार्ता की गई और आचार संहिता को लेकर पूरी जानकारी दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने इस दौरान मीडिया से भी चुनाव प्रक्रिया में सहयोग की अपील की। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन न करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी ने सी विजिल ऐप को डाउनलोड करने की अपील की। चुनाव अधिकारी ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि पिछली बार हरियाणा में 70% मतदान रहा था, इस बार इस प्रतिशत को बढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हरियाणा के पूरे चुनावी शेड्यूल की बात की जाए तो चुनाव को लेकर अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी होगी। नामांकन 6 मई को होगी। उम्मीदवारों के नामों की छटनी 7 मई को होगी। नाम वापसी के लिए 9 मई की तारीख सुनिश्चित की गई है। हरियाणा में मतदान 6ठे चरण में यानी कि 25 मई को होंगे। नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। आम लोग जिनका वोट नहीं बना है उनके लिए अंतिम तारीख क्या होगी इसकी भी जानकारी दी गई। अभी तकरीबन 1 महीने का टाइम है। कोई वोटर्स ऐसे हैं, कोई मतदाता जिनका मत नहीं बना है अब तक, वो अपना आवेदन आज की तारीख में भी जमा कर सके। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया, हरियाणा में कुल मतदाता 1,99,38,247 मतदाता हैं। प्रदेश में 85 प्लस उम्र के मतदाताओं की संख्या 2,64,760 है, जबकि 100 से ज्यादा उम्र के 11,028 मतदाता हैं। प्रदेश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,06,29,859 है, जबकि 93,07,938 महिला और 450 ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं। हरियाणा में 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 3,65,504 है। इसी तरह 20 से 29 साल के वोटर्स 39,31,717 हैं। चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट रूप से गाइडलाइंस दे दी गई है। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन न करने वालों पर सख्त एक्शन होगा और नियमों की पालना में प्रदेश की आम जनता भी जागरूक रहे और कोई भी संदेह होने पर टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके शिकायत दे। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रविचंदेल की रिपोर्ट।